दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल मेहंदी है रचने वाली में पल्लवी हो चुकी है बेहोश और मंदार के सारी प्लानिंग अब कैसे होगी फ्लोप। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मंदार ने राघव और पल्लवी के साथ बड़ा गेम खेलने की कोशिश की है, लेकिन उस बात का उसे अंदाजा नहीं था कि पल्लवी का फास्ट है और उसने वो खीर खाई ही नहीं और ना ही राघव ने खाई है। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि पल्लवी बेहोश हो जाती है और बेहोश की हालत में उसके फायदा उठाने की कोशिश करता है मंदार, लेकिन जब राघव वहाँ है तो उसका कैसे फायदा उठा सकता है। तो भाई पल्लवी यहाँ पर बेहोश उस खीर की वजह से नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से हुई है और जल्दी ही यहाँ पर खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। सभी यहाँ पर मंगला गौरी की पूजा में बिजी रहते हैं, लेकिन पल्लवी की बेहोश होती है तो सभी के सभी पल्लवी का ध्यान रख रहे होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर आती है जो बताती है कि पल्लवी प्रेग्नेंट है और ये सुनकर राघव काफी खुश हो जाता है और घर वाले सब शॉक्ड। वही मंदार को सनी को कीर्ति को तगड़ा झटका लगता है 440 वोल्ट का कि अब तो उनके अरमान पूरे पानी फिर जाएगा, क्योंकि अब जब राघव और पल्लवी की जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो भाई पल्लवी तो अब राघव के साथ ही रहेगी और अब इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। पल्लवी कभी लौटकर मंदार के पास नहीं आएगी, ना ही कीर्ति और सनी की शादी होने देगी। तो दोस्तों यहाँ पर मंदार का सारा ड्रामा पूरा ही फ्लोप हो जाएगा जब पल्लवी की खुशखबरी सबके सामने आएगी और यहीं से राघव की जिंदगी और पल्लवी की जिंदगी में खुशियां भर जाएगी। और राघव को जो डर था कि पल्लवी को कहीं सच में मंदार छीन ना ले, वो डर भी खत्म हो जाएगा और शारदा डिसाइड करती है कि पल्लवी अब मंदार का ध्यान रखने के लिए यहाँ नहीं रह सकती और मंदार को हम सब लोगों को ही संभालना होगा। पल्लवी अब अपने पति के साथ जाएगी तो इस पूजा के बाद में पल्लवी की मन्नत पूरी हो जाएगी और इसके बाद में वो पल्लवी राघव के साथ चली जाएगी मंदार को छोड़कर और सारे सपनों पर मंदार की पानी फिर जाएगा। और वो दिन भी दूर नहीं है जब ये नकली मंदार का ड्रामा भी फूट जाएगा, क्योंकि ये तो मंदार है ही नहीं और जिस पल्लवी को पाने आया था वो पल्लवी तो अब राघव के साथ चली गई है और कभी लौटकर नहीं आएगी उसके पास। तो भाई जल्दी ही उसका भांडा भी फूट ही जाएगा।